पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए ये तड़के वाली मेथी होती है, इस मेथी को लेना है, रात भर आप उसे पानी में भिगा कर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसे सुबह इस तरीके से मिक्सी में पीस लीजिएगा। बहुत बारीक पेस्ट बनाना है इसका, इतना कि इसे हम पकाएं और बहुत अच्छा सा जल बन जाए। तो ये बालों के टूटने झड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए ये मैंने पहले से पानी पकने के लिए रखा हुआ है, ये सिंपल पानी मैंने रखा हुआ है पकने के लिए। इसमें हम जो मेथी का पेस्ट है वो डालेंगे इस तरीके से। ये लगभग 2 से 3 चम्मच मैं पेस्ट डालूंगी। ये प्लेन पानी था मेरा, कुछ नहीं है इस पानी में, देखिए ये बिल्कुल प्लेन पानी है। और इसमें मैंने 3 चम्मच जो मेथी का पेस्ट है वो डाल दिया है। और इसको अच्छे से इसको पकाएंगे हम लगभग 1 से 2 मिनट तक, जब तक ये पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए और ये अपना कलर इसमें ना छोड़ दे। ये देखिए इस तरीके से इसको इसी तरीके से पकाते रहेंगे हम मेथी में, क्योंकि ये जेल फॉर्म हो जाता है पकने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा गाढ़ा सा सीरम बनेगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है टूटने झड़ने के लिए। जैसे बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं उनके लिए, और जैसे बरसात का मौसम है उसमें तो ये बहुत ही अच्छा है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से, तो इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। पकने पर ये एकदम पूरा मिक्स हो जाएगा पूरा, ये देखिए ये पकने पे कितना अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और इसे थिक करना है, क्योंकि हम इस पेस्ट को बालों में लगाएंगे तो उसके लिए इसका गाढ़ा होना थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से इस पानी में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से अभी थोड़ा सा और पकने देते हैं। और ये देखिए जो हमारा सीरम था ना वो तैयार हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद हम इसमें जो हमारी डाई है वो बनाएंगे। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलानी है, उन 2 चीज़ों को मिलाने से ही ये डाई हमारी बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये काफ़ी हद तक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट टेक्सचर में बन चुका है, और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमारा जेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये तैयार है। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। ये जेल मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बालों को टूटने झड़ने से बचाने के लिए। क्योंकि आप सादे पानी में कोई भी चीज़ घोलकर बालों में लगाएंगे तो वो हो सकता है कि उसकी तासीर गर्म हो, आपको वो सूट ना करे। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप जेल फॉर्म में बनाएंगे तो वो आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। अब इसके लिए देखिए जितनी आपको ज़रूरत है आप इस जेल को बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। 7 से 10 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब जितना आपको ज़रूरी है, जितना जैसे आपको रूट्स में लगाना है या पूरे बालों में लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। तो देखिए ये मैंने ले लिया है, ये 3 चम्मच के करीब मैंने जेल ले लिया है यहाँ। अब इसमें मैं डालूंगी देखिए 1 चम्मच जटामांसी पाउडर। जटामांसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बालों के लिए, बालों को टूटने झड़ने से बचाने के लिए, बालों को काला बनाने के लिए। और ये ऐसी हर्ब है जिसे आप बढ़ती उम्र में, जैसे आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं उसे भी रोक सकते हैं, और अगर आप इसे कम उम्र में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके बाल जल्दी से वाइट नहीं होंगे। तो ये मैं जटामांसी पाउडर लूँगी। और दूसरा इसमें लेंगे हम आंवला पाउडर, क्योंकि आंवला बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, नेचुरल तरीके से बालों को कलर देता है, और लंबे टाइम तक कलर अगर आपको रखना है बालों में और आपको आप चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा काले बने रहे, तो उसके लिए आंवला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम जेल फॉर्म में इसलिए बना रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सादे पानी में घोल कर भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हर्ब का इफ़ेक्ट जिस अच्छे तरीके से ना मिले तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पानी में घोल कर तो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, हिना भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके बालों को ब्लैक कलर नहीं देगी, उससे रेड कलर आएगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत अच्छा सा जेल बनाकर आप अपने बालों में हिना लगाएंगे तो उससे बहुत अच्छा ब्लैक कलर आता है। लेकिन पता नहीं लोग कैसे कमेंट करते थे कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है। मैं तो खुद ये चीज़ इस्तेमाल करती हूँ और मेरे बालों में कलर भी बहुत अच्छा आता है इन चीज़ों का। ये देखिए अब इसे मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और इसे हम रूट टचअप की तरह बालों में लगाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप इसे बनाइएगा और इसको बालों में अप्लाई कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप इसे बालों में लगाएंगे आपको किसी भी केमिकल वाले शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। हो सके तो आप प्लेन पानी से सिर को वॉश कीजिएगा। इसको लगाने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार लगा लेंगे तो आप अगर कोई भी कंडीशनर पहले शैम्पू से पहले या शैम्पू के बाद लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये बालों को नेचुरल कंडीशनर करेगा, बालों को जड़ों से काला बनाएगा, और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।